मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो मम्मी? मैं ठीक हूँ। और आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा? हाँ, सूजी का हलवा। हरी इलायची इसी में है ना? किसको शिशोर? पोटिया है? अभी करते हैं, अभी करते हैं। सुबह सुबह अपने पापा के लिए हलवा, क्योंकि मेरे पापा को पसंद है, तो अपने हाथ का हलवा बना के खिलाएंगे उन्हें। दिन की शुरुआत मीठे से हुई है। तो बस अभी मैंने मुँह नहीं धोया, हाथ वाथ ही धो लिए, बस अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, वो तो सब बाद में, क्योंकि पापा जा रहे हैं जल्दी। बस फिर जल्दी से हलवा बना लेती हूँ, रेसिपी नहीं दूंगी आप लोगों को, बस बता रहे हैं। ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। जी, मैंने चीनी और पानी घोल के रख दिया है, और पानी में बॉईल भी आ गया है। बीच में लिबा के पास मुझे जाना पड़ गया था, तो मैंने बस, अगर आप पूछेंगे तो मैंने तड़का लगाया इसमें हरी इलायची का, और तड़का लगा के घी में हरी इलायची डाल दी थी और पानी डाल दिया चार गिलास भर भर। ठीक, अभी पानी अच्छे से पकाना है, जो कि आपको दिख ही रहा है, पक ही रहा है अच्छे से। तो बस फिर ये मैंने सूजी भून के रख ली थी, ये इसके अंदर डाल दूँगी, अभी आपको दिखा दूँगी कैसे डालते हैं। पापा रेडी हो गए? गरम गरम हलवा पापा जी को खिलाना है, अपने प्यारे पापा जी को। पड़ रही है बनवाने के लिए, बस यहाँ पर हमने सूजी इसके अंदर डाल दी है, और सूजी को भी अब पकाना है। ये मैं थोड़ा सा पतला ही हलवा बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में पतला पतला हलवा अच्छा लगता है, लेकिन अभी ये गाढ़े पे आ जाएगा, आपको पता है, अभी ये सूजी के साथ भी पकेगा तो गाढ़ेपन पे ये अपने आप आ जाएगा। थोड़ी देर बाद आप देख लें ये हलवा कितना पक जाएगा। देखिए पकते पकते ये गाढ़े पन की अपना गढ़ा हो गया ना, अभी थोड़ा समय से और पकाऊंगे। मतलब ये डिपेंड करता है आपको कितना पतला खाना है, पक तो ये पूरा चुका है, अगर किसी को इतना पतला खाना है। हैं, क्रिसमस वाली ड्रेस नहीं है? रेड वाली? रेड ड्रेस तो है हाँ, लेकिन वो जो प्रॉपर क्रिसमस वाला होता है ना, वो जैकेट वाला, वो नहीं है, ऐसे रेड ड्रेस है। ठीक है, क्रिसमस जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल। चलो, और गाड़ीपन पे आ गया है, इसमें घी भी ऊपर आने लगा है। ड्राई फ्रूट्स डालने हैं इसमें? अच्छा, खा के बताओ कैसा बनाया है। लीबू लीबू आप हलवा खाओगी? अच्छा, चलो नानी को पसंद आ गया। अब आप लिबू इधर देखो, पहले अब आप लोगों को गाइस दिखाती हूँ एक माँ। एक माँ कहाँ, हमने शिफ्ट कर दिया अपनी माँ। ठहर आइए, मम्मी का बेड है जिस पे हम लोग सब बैठे हैं, और यहाँ मैं आपको दिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिख रही हूँ, ठीक है, अभी माँ भी दिखाऊंगी। माँ जरा सर ढक लें। ये रही एक माँ, मम्मी को नीचे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि अब क्या हो गया मम्मी बताएंगी। पहले सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब जने खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारी हर परेशानियां दूर करे, अल्लाह किसी को भी कोई परेशानी ना दे, अल्लाह जिनकी शादी नहीं उनकी शादियाँ हो जाए, जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चे हो जाए, जिनका काम नहीं है अल्लाह उन्हें काम दे, और अल्लाह सबको हजर उम्र नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मम्मी ने तो बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं दे दी। तो आपका हलवा कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। चलो, अभी उनसे बनवाया था ना, बेचारी ने तो सफेद और इतना गाढ़ा वो ला के दे दिया। वही है जो अब अपने खाने में बात है, मम्मी की शुरू से जिंदगी हमें ट्रेनिंग देते देते बीत गई है। अब वो मम्मी कई बार कहती है कि ये सही है, मैंने अपनी बेटियां ट्रेन करी और उनके मजे कोई और ले रहा है, और मैं बैठी हुई हूँ। चलो अब आप लोग खा लो, मम्मी को ट्रेन कर देंगे। हाँ सही बात है, अब मम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं और यहीं सोएंगी, यहीं सोई थी।
और ये छोनू हल्ला मचा रही हैं। हाँ जी हाँ जी गाइस, हाँ जी हाँ जी, गमल हो रही है। मुझे जूती मिल गई, पता ऐसी ऐसी भुजिया ना पापा ने भी बनाई है। मामू जी का सही है, पता बंदा जब खाला जाए मेरे को संडे को भी बुलाती, क्योंकि वो बीच में छुट्टी कर दी ना, रात में बच गई क्या। तो बड़ा बड़ा मन मजा आ रहा है। ये मम्मी की दवाई आई है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जूस आया है, जामुन और किसका करेला, करेला जामुन जूस, ये कॉम्प्लीमेंट्री आया है। दवाई दिखाना मम्मा अपनी, ये मम्मी महीने में मंथली पैकेज मंगाती है, मम्मा को शुगर है तो मम्मा को मंथली पैकेज आ जाता है, तो उसमें ना साल के एंड में मम्मी बता रही है कि कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ देते हैं, है ना, जैसे राशन आता है ऐसी आपकी दवाइयाँ आई हुई हैं। अभी तो ये आधी है। अच्छा, यहाँ पर यही तो फायदा है हर चीज का, यहाँ ब्लिंक किट है, यहाँ जोमेटो है, यहाँ ये फार्मेसी की सप्लाई है, डोमिनोज है, दुनिया भर के सारी सप्लाईज, और वो क्विक कौन सा जो आता है जल्दी वाला, वो ब्लिंक किट ही है, ब्लिंक किट ही है, हाँ, जो जिसमें जल्दी सामान आ जाता है। अब तो सबसे बढ़िया है कि दूध भी कैंडी लाइट घर पे आ, कंट्री लाइट, कंट्री डिलाइट, हाँ हाँ, क्या तो वो क्या, वो भी तो है ना, महंगा भी तो है ना, खुल गया इनायत फाइनली, इसमें सक्षम हो गई। और सबसे अच्छी चीज आपको दिखाऊं गाइस, मैं अभी ना इसको ये दूध पिला रही हूँ, मैं आपको दिखाती, ये ब्लैंकेट कवर, ओ माय गॉड, अभी तो मम्मी ने नए हमारे लिए ही मंगवाए थे, इसका वो भी नहीं हटा है टैग, रात को ऐसे ही लगा रह गया, दिखा दो, दिखाओ इन्हें, तो उसे छोड़ के पहले ये दिखाओ अच्छे से, ओके, इतना खूबसूरत ये ब्लैंकेट है, ओ माय गॉड, कवर है, हाँ अंदर इसके ब्लैंकेट है और ये ब्लैंकेट का कवर है, इतना खूबसूरत, माइंड ब्लोइंग, आप लोग को दिख ही रहा होगा, ओढ़ने में भी बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी क्वालिटी देख रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं इनायत तो ऐसे करो, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो बस अभी सुबह का टाइम हुआ है, सब बच्चे हमसे मिलने आ गए हैं एज यूजुअल, और अब ये पूरा दिन हमारे साथ ही रहेंगे एज यूजुअल, ठीक है। तो जी हमारा यहाँ पर नाश्ता आ चुका है, और नाश्ता आप देख सकते हैं, और ये मुझे पता चला है मम्मी, ये जो प्लेट है ये आपके दहेज की है, मम्मी की दहेज की प्लेट में नाश्ता हो रहा है। बच्चों की भी चाय लाऊं? हाँ आयरा को, आयरा की चाय दे दो बस, नहीं ये लिबा की नहीं, और ये नीचे ये भी वाला जो पूरा सेट था मेरा, अच्छा, तो मम्मी के दहेज के बर्तनों में हम खाएंगे खाना, वो ये हटाओ पेपर नीचे करो, पहले ही दिन आके, पहले ही दिन हम जा रहे हैं घूमने, जो जिसके लिए मैंने बहुत दिनों से प्लानिंग की हुई थी, मैं मतलब आपकी चीज़ों से कह रही थी लेकिन एज यूजुअल वो नहीं लेके गए, और इस पर मेरा बहुत ज़्यादा क्रेज था, तो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, और मेरे साथ कौन जा रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कर दो, आवाज़ नहीं आ रही, हाँ आवाज़ नहीं आ रही होगी, चलो
हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मॉल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेट हो चुके हैं। हमारा शो कब का है? कुछ भी लेट नहीं है, 1:45 का है और अभी 1:40 हो रहा है। 1:40 हो रहा है, 5 मिनट अभी है और हम बाहर हैं, लेकिन अंदर हॉल में जाने में टाइम लगेगा, तो मुझे तो बिगनिंग मिस नहीं करनी है। नहीं होगी इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है आगे जाके। इसमें लेट नहीं होगा हमें, है? चलो चलो, हम मैं तो चल ही रही हूँ। तो हम लोग आए संभल के, मूवी देखी हमने वेब में, हम बाहर निकले DLF ये क्रॉस करके सामने। कहती अपनी पूरी जिंदगी हम लोग वेव से बाहर निकलते थे, फिर रिक्शा लेके DLF जाते थे, या अगर वॉक भी कर रहे तो ऐसे मेरे को पता ही नहीं है पीछे से। अंदर में कहती नहीं मुझे तो पता था, जेवर का आपको ये पता था कि हम पीछे से जा रहे हैं? अन्नू भी कह रही अच्छा हम अभी पीछे से जा रहे हैं। हाँ अच्छा। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना है, और आप लोगों को अब तक ये पता चल चुका है कि हम यहां क्यों आए हैं। हम यहां आए हैं मूवी देखने। मूवी मेरी बहुत मतलब मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कौन सी मूवी है। आप अभी ही मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, जो लोग मुझे जानते हैं वो पहचान गए होंगे, और नहीं पहचाने तो फिर भी कमेंट करो कि आप पहचाने या नहीं, मूवी का नाम बताओ। बाकी इस व्लॉग के अंदर ही मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट कि मैं कौन सी मूवी देख रही हूं, बाकी आप जब तक कमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर ना आजकल क्रिसमस है, मैं क्रिसमस से पहले ही गई हूं ऑब्वियसली, ये वीडियो तो मैं आपको अब दे रही हूं, तो ये क्रिसमस का सारा वो कर रखा है इन्होंने डेकोरेशन। वैसे भी न्यू ईयर क्रिसमस सब आते हैं तो मॉल्स वगैरह सारे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो जाते हैं, तो ये लिफ्ट से ना बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़ारा लग रहा था, तो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो बस अब हम लोग भी चल रहे हैं जल्दी जल्दी, हम लोग को ऑलरेडी लेट हो गया है, और कहते हैं ना जब लेट होता है ना तो फिर बस लेट होता ही चला जाता है, और वो क्यों होता है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि क्या हुआ था। तो ये पीछे से आप देख रहे हैं कि लोकेशन कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ इंटरवल हो गया था और मैं आई थी वॉशरूम, तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ, बाकी अब आप मूवी देखो। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला दे, तो बस मूवी हॉल में से निकलने के बाद ना हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। तो सबसे पहली बात तो मैंने वहाँ पर आलू और मटर की चाट खाई थी, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद हम आ गए थे नोएडा के फेमस आंटी मोमोज, और हम यहाँ पर खा रहे हैं मोमोज। मोमोज के साथ और भी कुछ खाएंगे, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बस। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि भाई यहाँ के मोमोज, यहाँ की हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा यम्मी है, और हमने क्या क्या खाया वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना मैंने देखी थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर। आप बिल्कुल इसमें से खाइए। अब आप भी तो खाओ, पहले आप एक बाइट ले लो। एक बाइट में तो खैर समझ नहीं आया। अच्छा अब आप मेरा लो। बहुत बढ़िया आ गए। गरम है? हाँ गरम है। मैंने वो तो मैं कर दूंगी। हो गया, मैंने तो आपको वहाँ से भी शूट करा है, पता है आप वहाँ करी नहीं थी ना। और अच्छी चीज़ ये बिल्कुल हॉट हॉट ही है ना। हाँ क्योंकि वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। और ये सफर मज़ा तो गर्म ही रहता है।